हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पतलिया सिंह। पता गुगलू देवता? ये तो पता है नहीं गुगलू देवता कुछ। मम्मी जनेरो नो जनेरो मूर्ति। मैं ढाई लूं वो डा डा मार देगा। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संजय सजवान और आप देख रहे हैं सजवान डायरी। तो स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं नदी, तो दिखाते हैं मंदाकिनी रिवर का व्यू कैसे दिखता है और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और नदी जो है बहुत प्यारी है, लेकिन आजकल पानी कम है। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू पहाड़ों का। पूरे खेत हैं, इधर पूरे खेत हैं और इधर से मैं हूँ जो हम आज दूसरी रास्ते से जाएंगे दूसरी साइड के लिए। तो ये है रास्ता, यहाँ से जाएंगे हम। आराम से भाई, आराम से। बहुत ही पतला रास्ता है और मेरे साथ है यहाँ पे दिव्यांशु और पीछे हैं चाचा। तो हम तीनों जा रहे हैं ऐसे घूमने के लिए नदी में और बहुत टाइम बाद। और ये वाले रास्ते पे तो मैं पहली बार जा रहा हूँ जो इस साइड जाने, तो बहुत ही डेंजरस है। और चाची यहाँ पे रेत लेके आ रही। यहाँ पे देखिए एक ही तो नदी का साउंड आपको आने लग गया होगा। धीरे धीरे जो शोर होता है नदी का वो सुनाई दे रहा होगा आपको। नहीं सुनाई दे रहा है तो थोड़ी देर में सुनाई देगा, क्योंकि हम नदी पहुंचने ही वाले हैं। और मेरे को नीचे भी देखना पड़ रहा है और कैमरे पे भी देखना पड़ रहा है। नीचे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि ये देखिए ऐसे ऐसे पत्थर हैं और इनसे गुजर के जाना है नीचे, तो इसलिए नीचे भी देखना ज़रूरी है। और मेरे साथ है यहाँ पे दिव्यांशु। नहीं है क्या दाह? हेलो निकुन, व्हाट्सअप। तो ये है हमारे साथ। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे और ये गिर गया था यहाँ पे भाई। आराम से पहले जाए। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बात होती रहती है। होती रहती है ना। हाँ तो मेरे से पहले तो जाने की कोशिश नहीं कर रहा तू? ना ना भैया जी ना। फिसल फिसल के मेरे से आगे जाने होगा तुझे। ये देखे इसका मन कर रहा है। और एक और जगह जाए। ये देखे पत्थर। आजकल के चलने का स्टाइल यही चक्रो कहता है। यहाँ पे मशीन लगी है तो बहुत टाइम हो गया इसको यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं आगे को। और यहाँ से ऐसे जाना है हमको। और ये देखिए नदी। ओए गिरने जाऊं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। क्या हुआ? आराम से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नदी के पास। और अब आपको दिखाते हैं नदी का व्यू जो कि बहुत ही प्यारा होने वाला है और तुमको भी देख के मजा आने वाला है। तो जो ये नदी है वो है मंदाकिनी नदी और जो केदारनाथ से होके आती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं व्यू। और ये नदी का यही मज़ा है। तो मैं फिसलने वाला था। तो जो ये रेत है वो मकान बनाने में काम आता है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है सीमेंट वगैरह में। तो ये काम की चीज़ है हमारे लिए। और ये देखिए क्या कर रहा है। तो आजकल नदियों में पानी कम ही होता है सर्दियों के टाइम पे, बहुत ज़्यादा कम। और ये तो जो ये नदी है इसका पानी तो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि 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 इसके ऊपर डैम बना है
और वहाँ पे पानी रोका जाता है और टाइम टू टाइम छोड़ते हैं फिर रोकते हैं, लेकिन इसलिए कम ज़्यादा होता रहता है डैम की वजह से, पानी कम ज़्यादा होता रहता है तो इसलिए कम है पानी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी पार कर लेंगे इसको, लेकिन ऐसा है नहीं, पानी है बहुत ठंडा। उत्तराखंड में डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। और आप देख सकते हो मैं यहाँ नदी के पास हूँ बैठा हुआ, और मुझे अभी ठंडा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी जो मौसम है धीरे धीरे गर्म होने लग गया है। जो साउंड है आप फील कर रहे होंगे, इतना शांत सा एरिया है और नदी की जो सरसराहट जो आवाज़ आती है मन शांत हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मन शांत हो जाता है और मज़ा आ जाता है। तो नदी के पास अगर आप कुछ देर बैठ जाओ शांत होकर, मेडिसिन के काम आती है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। सही तारीफ करूँ उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि जो नदी का व्यू है बहुत ही प्यारा है, दिल जीतने वाला। जब बरसात का टाइम होता है तब पानी यहाँ ऊपर तक चले जाता है, यहाँ ऊपर से, और आजकल पानी कम होता है तो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये नदी का सबसे लंबा पौधा है, तो इसका नाम आपको पता है तो प्लीज़ बताइए, अगर नहीं पता है तो बड़े से पूछ के बता दीजिए। जिसके यहाँ सबसे बड़ा देख रहा होगा वो किससे पूछेगा? वो तब छोटे से पूछेगा, गुगलू देवता से पूछ सकते हैं, ऐसे बोल। गुगलू गुगलू देवता सब कुछ जानता है ना, गुगलू देवता सब कुछ जानता है ना, पता गुगलू देवता ये तो पता है नहीं गुगलू देवता कुछ। तो आप जानते हैं गुगलू देवता को तो जरूर से कमेंट पे बताना, और गुगलू देवता को इसको जरूर बताना कि गुगलू देवता कौन है। और अगर आप भी नहीं जानते कि गुगलू देवता कौन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि गुगलू देवता कौन है, ठीक है? गुगलू देवता तो नहीं मालूम, गुगलू देवता पता चल जो बाद में। गुगलू जुगली बाबा आपको आशीर्वाद देगा। भागो अरे कि मैं पहले यहाँ पे जब पेपर हुआ करते थे स्कूल की कॉलेज के पेपर होते थे तो उतना दूर रास्ता नहीं नापते थे, आते समय दिन का टाइम होता था, दोपहर का टाइम, और 7 से 10 का पेपर होता था तो यहाँ से आते थे, फिर 12 बजे के लगभग यहाँ से इधर आते थे, तैर के आते थे, कपड़े पन्नी में बांध के तो आगे आगे कपड़े चलते थे, पीछे पीछे हम चलते थे। तो पहले कब टाइम है तो अब जो है 2013 के बाद नदी चेंज हो चुकी है, कहीं पे भी लोहा सरिया वगैरह हो सकते हैं, इसलिए तैरने में डर लगता है अब। तो कुछ याद होना चाहो प्रू? मैं कब आई नहीं यख नहीं है तो कभी कग गए पर से बैठे तो आई छु पर से बैठे चट्टान ये अटकी हुई मैं तो वक नहीं हो चुकी दोस्तों, ये नदी के ऊपर और इसके ऊपर है चट्टान,
बहुत ही खतरनाक लग रही है यहाँ से देखने में। और जो रास्ता है वो यहाँ से ऊपर जाता है और इसी के पीछे से होते हैं जाता है आगे। तो चलिए फिर घर को चलते हैं। अब चले जनवर नहीं लगो ना, बोले वो मम्मी बोल रेगिस्तान में मम्मी जा नहीं रहो ये नहीं रहो मूर्ति चले आ चला। तो अब टाइम हो गया है यहाँ से घर जाने का, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है यहाँ पे, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हमें यहाँ पे। और हम ऐसे घूमने आए थे आज, और कभी फिर चलेंगे दूसरी साइड के लिए जहाँ हम बचपन में नहाया करते थे और जहाँ हम पहले पानी लेने जाया करते थे, उस साइड चलेंगे नदी के। और आज इस वाले पार्ट को दिखाया है, उस वाले में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो यार, इतनी मेहनत लगती है वीडियो में, लाइक किया करो। और इतने अच्छे अच्छे वीडियोस तुमको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो अभी चलते पहले घर को, गोगलों को बाबा भी बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से ऊपर जाना है। मेरे को पता चल गया गोगलू बाबा कौन है। पता नहीं करके क्यों ब्याह तक मैं यूट्यूबर छो आज एवरेस्ट की चौड़ी में। तो रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये देखिए ऐसे हाथ पे चारों का यूज करना पड़ा ऊपर जाने के लिए, हाथों का भी पैरों का भी। पैरों का तो करना ही करना था, हाथों का भी करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई रास्ता ही ऐसा है। क्यों मेंढक की तरह उछल रहा तू? ए बालों पे क्या लगा रहा है? जोगी बाबा। जोगी बाबा का नाम क्या है? हाँ मैं यूर पुराना यूट्यूबर। ओके, ये पुराना यूट्यूबर था और अब ये जो है जोगी बन गया है। चलिए आपको आगे का व्यू दिखाते थोड़ा सा, कैसे दिखता है जो मैंने नीचे से दिखाया कि ऊपर। तो पहली बात तो ये देखिए अलग हो रखा है, यहाँ से अलग हो रखा है भाई, डर भी लग रहा है। अब ये देखें, मैं धक्का मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मार धक्का। ये बना बाहुबली ताकत चाहिए, ठीक है ना? मैं जान। तो ये देखे कैसा दिखता है ये पत्थर, चा तीन टुकड़ों में यहाँ पे टी बन रहा है इसका, तो टी है। और ये रहा रास्ता जहाँ से हम ऊपर आए। तो हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब पता चला। सालों से यहाँ पे खड़ा है और जैसे हम उसके ऊपर गए, आगे चल, जैसे हम उसके ऊपर गए वो नीचे चला गया। किस्मत का क्या भरोसा भाई, कब वही कब किस्मत बदल जाएगी। लोग अमीर होते हैं, हम गरीब के भी गरीब हो जाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से नदी इतनी दूर दिखाई देती है, काफ़ी दूर है, और हम इतने ऊपर आ चुके हैं, बस खेतों के पास पहुँचने वाले हम। और उसके लिए क्या देख रहा है, देखा निकाल ना। क्या है यूं तो गड़ोल में आंखों दाने बोलता क्या आंखों दाने कहानी कहानी के काम होनी नहीं खोड़ बैठे तो वो निकालोगे। अच्छा, अरे तुम तो सिपत है यार। पसीना आने लग गया भाई गरम। ये देखो अब उनसे एक बार इनको देता है। अच्छा, खाना भी एक बार खाता है, थ्री टाइम्स, और ज्यादा भूख लगे तो फोर टाइम्स। तो इंट्रो एक बार और, वंस मोर। यस, मेरे दर्शक कह रहे हैं तो मैं दे ही देता हूँ। चल इंट्रो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पोथलिया सिंह। उड़ने वाला नहीं, अपन जमीन पे चलता है। ओके, तो हो गया मेरा इंट्रो पूरा, और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं पे समाप्त।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खेतों के पास, यहाँ से घर है बहुत ही पास। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं हम समाप्त। वाह क्या राइमिंग होनी है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट, पता है ना क्या करना है कमेंट? तो कमेंट में बताना है गोलू देवता का नाम, कि मैं किस कौन से गोलू देवता की बात कर रहा था। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर से कमेंट करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।